विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्विभूतं यथा निद्रया साक्षात्कुरुते प्रबोधसमये वात्मानमेवात्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ब्रह्मानन्दाभिलीला ललितलहरिका व्यञ्जिता संख्यबिन्दु ब्रह्माण्डप्रातरो मा विधुत विधु विधित्र्यक्ष विस्तार सीमा संवित भूमांशुमालोज्ज्वल विमल रुचिध्वस्त माया विलास श्री पूर्णानंद तीर्थो मम मनसि मना आत्मभावं विभर्तु। कालिंदी कूल कुंजांतर वल्लवी ब्रज वेष्टितम् नमामि नयनानन्दम् नटन्तम् नन्दनन्दनम्। ॐ नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भागवत के श्रोता मुख्य श्रोता परीक्षित वे कितनी उत्तम कोटि के हैं इसका वर्णन करने के लिए उनके प्रभाव का, उनकी क्षमाशीलता का, उनकी उदारता का, उनकी दिव्य दृष्टि का वर्णन है। साथ ही साथ उनकी आनुवंशिक पवित्रता का भी वर्णन है। जिस वंश में वे पैदा हुए उसमें सुभद्रा जैसी नारी हुई, जिनके वे पौत्र थे, बड़ी से बड़ी विपदा आने पर भी उनके मुंह से चूं तक नहीं निकली, सर्वथा मौन, इतनी सहिष्णु थी, इतनी धैर्यशालिनी थी सुभद्रा। दूसरी दादी उनकी, परीक्षित की दादी दूसरी द्रौपदी थी, जिसने उनके पांच बच्चों को रात में सोते समय मार डाला, उसके प्रति भी उनके हृदय में करुणा। मेरे बच्चों के मरने से मुझे जैसी तकलीफ हो रही है वैसी ही अश्वत्थामा के मरने से उसकी माँ को होगी, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मुच्यता मुच्यता। परीक्षित की माता उत्तरा, उनके ऊपर विपत्ति पड़ी तो न अपने पति के पास गई, न अपने पिता के पास गई, सीधी भगवान के पास दौड़ी गई, आप प्रभु इस विपत्ति से हमारी रक्षा करें। ये उत्तर। परीक्षित की परदादी कुंती, वे तो कृष्ण से बोले कि महाराज ये राज्य मिला ये कोई बात नहीं है, हमको तो वो विपत्ति अच्छी लगती है जिसमें आप हमारी रक्षा करने के लिए आते हैं। विपद संतु न शश्वत, ये चार नारियों का जो इस प्रसंग में वर्णन है अद्भुत है। सुभद्रा तो सर्वथा निर्गुण है, और कुंती द्रौपदी उत्तरा अद्भुत हैं। स्त्री कैसी होती है,
कितनी सहिष्णु होती है, कितनी धैर्यशालिनी होती है, कितना उत्तम भाव होता है। प्रथम स्कंध में आप देखते हैं विपद संतु न सस्वत् तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यद अपुनर्भव दर्शनम। प्रभु हमारे जीवन में पद पद पर विपद आवे, माने पांव रखने का कोई ठौर न मिले हो। विपद उसको बोलते हैं जिसमें आगे बढ़ने के लिए पांव रखने को कोई ठौर भी न मिले, वो विपद। जिसमें आदमी मृत्यु दुख का अनुभव करे उसका नाम विपद है। बार बार विपत्ति आवे, क्यों? कि जब विपत्ति आती है तब उससे बचाने के लिए आप आ जाते हैं, और आप आ जाते हैं तो विपत्ति भूल जाती है। ऐसा वरदान भगवान से, ऐसा वरदान मांगने वाली जो परदादी उसके वंश में परीक्षित उत्पन्न हुए हैं। अब पितामह भीष्म का वर्णन करते हैं। तो उत्तरा ने अपने बच्चे को बचाने के लिए स्तुति की, कुंती ने राज्य मिलने पर स्तुति की, और भीष्म पितामह मुक्ति के लिए भगवान की स्तुति करते हैं। स्तुव्यमाना ही देवता बलेन वर्धते। जब हम किसी देवता की स्तुति करते हैं तो उसका बल, उसकी शक्ति हमारे जीवन में प्रकट होती है। स्तुव्यमाना ही देवता बलेन वर्धते। अपने मन में जिसकी तुम तारीफ सोचोगे, जिसकी प्रशंसा सोचोगे, जिसकी स्तुति करोगे, उसकी महिमा तुम्हारे जीवन में प्रकट होगी। भीष्म पितामह सर सज्जा पर पड़े हुए हैं, धीर शिरोमणि। श्री कृष्ण ने कहा इनकी महिमा बढ़ानी चाहिए। जब श्री कृष्ण के समझाने पर भी भीष्म श्री युधिष्ठिर जी महाराज का शोक दूर नहीं हुआ, बोले नहीं, यज्ञ करने से इतनी बड़ी हत्या, इतनी बड़ी हिंसा का प्रायश्चित यज्ञ से नहीं हो सकता। स्त्रियां विधवा हो गई हैं, रो रही हैं, बच्चे अनाथ हो गए हैं। महाभारत युद्ध करके मैंने बड़ा भारी अनर्थ किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि अच्छा चलो, सरसज्जा पर पड़े हुए भीष्म पितामह के समक्ष एक तो अनुग्रह है कि मरते समय भीष्म को दर्शन देना, दूसरा अनुग्रह है कि जो काम भगवान के किए नहीं हुआ, भगवान के समझाए नहीं हुआ, वो भीष्म के समझाने से हो जाएगा, तो भगवान से भक्त बड़ा होता है, ये अभिप्राय प्रकट हो जाएगा। ये बात तो भागवत में बीसों प्रसंग में आवेगी कि जो काम भगवान से नहीं बनता वो भक्त बना देता। कुरुक्षेत्र में गए, तैयारी करके सब भाई बंधु घोड़ों पर चढ़ करके कुरुक्षेत्र में पहुंचे। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े राजर्षि सब के सब वहां पहुंचे। अब भीष्म पितामह के शरीर में जो बाण गड़े थे वो सामने की ओर से गड़े थे, क्योंकि उन्होंने युद्धभूमि में पीठ तो दिखाई नहीं थी, और जब गिरे थे तो बिल्कुल चित्त गिरे थे, और वे बाण धरती में गड़ गए थे, उन पर उनका शरीर टिका हुआ था। देख के सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रतिष्ठम पूजयामास, उस अवस्था में जैसा सत्कार सबका किया जा सकता है वैसा उन्होंने पूजयामास धर्मज्ञों। देश काल विभाग वित्त, किस स्थान में, किस समय में, कैसे किसकी पूजा करनी चाहिए ये मालूम है भीष्म पितामह को, धर्मज्ञ है। उन्होंने लेटे लेटे सबके पूजा की, श्री कृष्ण की मानसिक पूजा की। उन्होंने कहा भगवान के आश्रित होकर और धर्मात्मा होकर भी युधिष्ठिर, तुम लोगों को इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है, ये एक आश्चर्य की बात है। यत्र तो राजा गदा पाणिर्भिको दरहा कृष्णो अस्त्री गांडीवम चापम सूर्य कृष्णा
ततो विपद। धर्मनंदन युधिष्ठिर को राजा, भीमसेन के हाथ में गदा और अर्जुन के हाथ में गांडीव धनुष और श्री कृष्ण की मित्रता, वहां भी विपत्ति आती है। सर्वम काल कृतम मन में, परिस्थिति सबको बदल देती है, उस पर किसी का कोई बस नहीं है। भीष्म ने कहा कि ये साक्षात कृष्ण परमात्मा हैं, जिनको तुम मानते हो कि मेरे मेरे भाई हैं, प्यारे हैं, मित्र हैं, सुहृद हैं, जिनको तुमने अपना सचिव बनाया, दूत बनाकर भेजा, और मित्रता के आधिक्य से जिनको तुमने सारथी बना लिया, उनको तो कोई काम करने में छोटा बड़ा है ही नहीं। सर्वात्मना समदृशो, वो तो सर्वात्मा है, समदर्शी हैं, इसी में तो पता चलता है कि ज्ञान कितना ऊंचा है। श्री कृष्ण से कहो घोड़े की पीठ रगड़ो, रगड़ते हैं, झाड़ू लगाओ लगाते हैं, पहरा दो पहरा देते हैं, सारथी बनो सारथी बनते हैं, राजदूत बनो कर देते हैं, गुरु बनो कर बनते हैं, है ना। हेलो, अरे कोई काम करने में जो काम आ जाता है सामने, उसको करने में ये सोचना कि ये काम छोटा बड़ा है, ये बुद्धि की कोई छोटा होने का लक्षण है। कर्तव्य कोई भी छोटा नहीं होता, सब कुछ करते हैं। स्वयं भगवान घोड़े की दवा करते हैं, करारा रगड़ते हैं उसके शरीर पर, उसके जो चोट लगी है उस पर मरहम पट्टी करते हैं, सारथी बनते हैं, दूत बनते हैं, सचिव बनते हैं, पहरेदार बनते हैं, युधिष्ठिर के पांव छूते हैं, और घर में जब अतिथि भोजन करते हैं तो उनके पांव धोते हैं और उनके जूठे पत्तल उठा लेते हैं। इसका नाम होता है सर्वात्मा समदर्शी, इसका नाम होता है भगवान। तो देखो ना, मेरे ऊपर कृपा करके मरते समय यहाँ आए हैं, अच्छा प्रभु आए हो, बड़ी कृपा, सब लोग तुम्हारी इंतजार करते हैं, अब तुम हमारे मरने की इंतजार करो। देखो खुश खुश रहना, मुंह मत बना। प्रसन्न आसारुण कंजलोचन, हाँ प्रसन्न होकर खड़े रहो, तुम्हारे मुंह पर हंसी रहे, आंखों में अनुराग की लाली रहे, मुख कमल खिला रहे, जैसे हमारे ध्यान में हो ऐसे ही हमारे सामने रहो। अब तो युधिष्ठिर ने उसी समय सारी पीड़ा भीष्म की निवृत्त हो गई भगवान के दर्शन से। अब युधिष्ठिर ने धर्म की बात उनसे पूछी। देखो सबके लिए एक धर्म नहीं होता, ये जो किताबी धर्म हो गया ना, धर्म हो गया किताबी, और किताब में ऐसा लिखा, और धर्म हो गया मजा एक आचार्य के द्वारा चलाया हुआ, एक पैगंबर, सारी दुनिया का नियंत्रण एक कैसे एक व्यक्ति कैसे कर सकता है। तो सनातन धर्म की इस संबंध में देखो उदारता, कितने आचार्य हैं इसमें, और धर्म के कितने ग्रंथ हैं। बंगाल का धर्मशास्त्र अलग है, मद्रास का अलग है, काशी का अलग है, गुजरात का अलग है, सबकी धर्म स्मृतियां पृथक पृथक हैं, पुराणों के देवता पृथक पृथक हैं। तो ये कैसे भेद होता है। गुरु सस्वभाव विहितां यथा वर्णम यथाश्रमम वैराग्य राग उपाधियां आमना तो भय लक्षणां। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है, उसके अनुसार धर्म का निश्चय होना चाहिए। क्रिया श्रेष्ठ है कि कनिष्ठ है, इससे धर्म का निश्चय नहीं होता, पुरुष के स्वभाव से धर्म का निश्चय होता है। दवा कीमती है कि सस्ती है, इससे दवा का निश्चय नहीं होता, इस रोगी मनुष्य पर कौन सी दवा फायदा करेगी इस दृष्टि से होता है। रोगी प्रधान होता है, दवा नहीं, कर्ता प्रधान होता है, क्रिया नहीं, मालिक प्रधान होता है, वस्तु नहीं। अब विभाग से उन्होंने वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार, देखो ये बात आपको शायद ही कहीं मिले, वैराग्य रागोपाधि व्याम आमनातो है लक्षण,
कौन स्वभाव से वैराग्यवान है उसके लिए क्या धर्म होना चाहिए, कौन स्वभाव से रागी है द्वेषी है उसके लिए क्या धर्म होना चाहिए। वैराग्यवान के लिए निवृत्ति धर्म है और रागी द्वेषी के लिए प्रवृत्ति धर्म है, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धन बाहर रहता है वो शरीर से और कामना मन में रहती है, देखो कितना फर्क है। और धर्म बुद्धि में रहता है, वहां बैठकर कामना को और अर्थ को नियंत्रित करता है। जहां बुद्धि नहीं है वहां कामना गड्ढे में डाल देगी और वहां अर्थ बेईमानी चोरी करवा देगा। बुद्धि में धर्म का निवास है और मोक्ष आत्मा का स्वरूप है। इनका साधन कथा कहानी सहित भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया। जब मरने का समय आया तब चुप हो गए। देखा पीतांबरधारी श्याम सुंदर मुरली मनोहर, वही प्रभु उनके सामने खड़े हैं। और शरीर छोड़ते समय भीष्म ने भगवान की स्तुति की, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत सुंगवे विभूमि स्वसुखम उपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृति मुपेयुषी यद भव प्रवाह त्रिभुवन कमनम समाल वर्णम रविकर गौरवरांबरम दधाने बपुरलक कुलावृतानाब्जम विजय सके रतिरस्तु में नवर्दिया। बोले महाराज, मैंने जन्म से अब तक एक बेटी पाली है। अरे बाबा, तुमने तो हमारे संतान न हो इस सर्प पर तो ब्याह किया था, अपने पिता का ब्याह करवाया था, ये बेटी कहां से आ गई। बोले महाराज, बहुत संवारी है, बहुत पाली है, परिपुष्ट की है, वो बेटी हमारी बुद्धि है, मति है, इसी मति रूप कल्पिता। इसमें क्या विशेषता है? बोले वितृष्णा, इसमें संसार की किसी भी वस्तु की तृष्णा नहीं है, ये आपसे कुछ भी मांगेगी नहीं, आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आप जदुवंश शिरोमणि हैं, ये हमारी मति रूपी पुत्री आपके चरणों में समर्पित है, सर्वथा निष्काम वितृष्णा। कभी कभी तो आपकी नजर इसके ऊपर कभी न कभी तो पड़ेगी, क्योंकि अपने स्वरूप में रहते हैं तब ठीक, दुनिया बनाना चाहते हैं तब तो बुद्धि की जरूरत पड़ती है ना, हमारी भी दे देना। ये आपका सांवरा मंगलमय शरीर, हमको तो वो दिखता है जब घोड़ों की ताप की चोट से उड़ उड़ करके धूल आपके बालों पर पड़ी हुई थी और मैं बाण पर बाण मारते जा रहा था, आपकी कवच टूट फूट गई थी, हमारा मन तो उसमें लग रहा है। वो बात याद आती है जब अर्जुन ने आज्ञा दी, सच्चे सारथी हो ना? हाँ भाई, सच्चे सारथी हैं। तो सारथी को रथी की आज्ञा माननी चाहिए, दोनों सेना के बीच में रथ ले चलो। अच्छा भाई, तुम्हारी आज्ञा स्वीकार है। आज्ञाकारी भगवान, यथोक्तकारी भगवान, जैसे कह दो वैसे करो। ऐसा भगवान कहीं नहीं है भला, न वेदांतियों का ब्रह्म है, न आर्य समाजी, ब्रह्म समाजी, ईसाई, मुसलमानों का निराकार है, ये हमारे सनातन धर्मियों का साकार भगवान है। उसकी इच्छा से दुनिया नहीं चलती, वो स्वयं भक्तों की इच्छा से चलता है। ये विशेषता है। बाईसों धान, क्या कहते हैं, सोलहों धान, बाईस फसेरी नहीं होता, ईश्वर ईश्वर उनके पृथक गुण दोष होता है। ले गए महाराज, और वहां जाके करें क्या? बोले हथियार तो चलावेंगे नहीं, लेकिन जो लोग उनकी ओर देखने लगे ना, जो शत्रुओं के सामने सेना अब देखने लगी उनकी, अपनी आंखों से उनकी आयु छीन लें। अर्जुन को हो गया मोह कि मैं कैसे मारूं इन लोगों को, तो आत्मज्ञान का उपदेश दे दिया। प्रतिज्ञा भीष्म की कि मैं शस्त्र धारण कराऊंगा, प्रतिज्ञा कृष्ण की मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा। एक ओर भक्त हट और एक ओर भगवान का हट, दोनों हठों में हो गई लड़ाई, हट हट लड़ गए हो, भगवान का हट
रक्त काट, ये पहले से न्याय किया हुआ है। भगवद हठ भक्त हठे और मध्य भक्त हठ एवं तिष्ठे, यदि दोनों के हठ में कभी द्वंद हुआ, संघर्ष हुआ, तो जो भक्त की जिद है वही पूरी होती है, भक्त हठ ही पूरा होता है। भगवान ने अपनी मर्यादा अपनी जिद तोड़ दी और लेकर हाथ में पहिया जो दौड़े जैसे सिंह टूट पड़े हाथी के ऊपर, पीताम्बर गिर गया कहीं पता नहीं, वाह पटपीत की सारा दुर्दास ने, वाह पटपीत की सारा कर धारी चक्र चरण कौ धावनी नहीं बिसरती वहा। ये भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए दौड़ पड़े, क्योंकि भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली, आज जो हरिहीन शस्त्र कहाऊं तो लाजो गंगा जननी को संतन सुतन कहाऊं। बोले भक्त की प्रतिज्ञा रखने, वो बाण पर बाण मारे भीष्म महाराज, कवच सारा का सारा टूट गया और शरीर खून से लथपथ हो गया। भीष्म कहते हैं बस बस, हमारे मन में तो वही शरीर बस गया महाराज, आप हमारे मारने के लिए हाथ में चक्र लिए दौड़ रहे हैं, बस वही युद्ध भूमि में सब लोग जो जो आपको देखने लगे ना, अब उनको तो पता ही, उनको बाण मार रहा है, मन चला गया आपके शरीर में और आके अर्जुन का बाण लगा। लोग कहते थे अर्जुन ने मारा, अर्जुन ने नहीं मारा महाराज, आपने अपनी सुंदरता से अपनी मधुरता से अपनी प्रेम भरी चितवन से लोगों की जान ले ली, महाभारत के योद्धाओं को तो मारा तुमने, अर्जुन का तो लोग नाम लेते हैं, जमी अनिरीक्ष हतागता स्वरूपम। अरे गोपियां तुमसे मिल गई, तुम्हारी चाल ढाल देख करके नारायण और राजसूय यज्ञ में आपकी पूजा हुई। बुनि गण नृपवर्ज्य संकुलेन्ता, बोले किस प्रभु आप ये नहीं हैं जो लोग देख रहे हैं, तो तब आप कौन हैं, हम कौन हैं भीष्म पितामह। तमी महामजम, ये सारे श्लोक स्तुति के पुष्पिताग्रा छंद में है। तमी महामजम शरीर भाजाम हृदय हृदिधिष्ठितमात्म कल्पितानाम प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकम् समधिगतोऽस्मि विधूत भेद मोहः। आप सब शरीरधारियों के प्रत्येक हृदय में आत्मा के रूप में बैठे हुए हैं और ये शरीरधारी आत्मकल्पना है। जैसे एक ही सूर्य सबकी आंख में रहता है, वैसे सबके हृदय में एक ही आप आत्मा के रूप में विराजमान है। आत्मा और आपका अभेद है। समधिगतोऽस्मि विधूत भेद मोहः, भेद के मोह को मिटाकर मैं आपको पा गया हूँ, मैं आपसे एक हो गया हूँ। अंतश्वासोपारमत, अब भीष्म के प्राण को कहीं जाना नहीं था, जहाँ का तहाँ हो समा गया, वहीं आत्मा में परमात्मा में। मुक्त पुरुष के प्राण कहीं निकल करके लोकांतर में नहीं जाते, वो तो स्वयं ही है, जाएगा कहाँ। अब तो महाराज सब उनका श्राद्ध हुआ नारायण, और उसके बाद सब लोग वहां से उनका अंत्येष्टि कर्म करके तब लौट आए। युधिष्ठिर का मोह दूर हो गया, अपने पिता पितामह का राज्य वो करने लगे। अब युधिष्ठिर के हाथधारी की जो चीज थी वो उनके हाथ में लौट आई। भगवान ने सबकी चीक चीक स्थापना कर दी। युधिष्ठिर के राज्य में वर्षा ठीक ठीक होती थी, पृथ्वी से अन्न ठीक पैदा होता था, गायों में भैंसों में दूध बहुत होता था, नदी समुद्र पर्वत अपनी अपनी वस्तुएं लोगों के लिए ठीक ठीक देते थे। हर ऋतु में किसी को चिंता नहीं, रोग नहीं, क्लेश नहीं, सब लोग बड़े सुखी थे। कुछ समय तक भगवान श्री कृष्ण वहां रहे,
फिर उन्होंने द्वारका जाने का मन किया। लोगों ने बड़े प्रेम से उनको विदा की। कुछ दिन कोई सत्संग में रह गए, दुष्टों के संग का दुख जो है वो उस समय नहीं मालूम पड़ता हो, उस समय तो मजे ही आने लगता है। जब कुछ दिन मनुष्य सत्संग में रह ले तब मालूम पड़ता है कि हम कहाँ फंसे हुए थे। सत्संग छोड़ने का मन नहीं होता, क्यों? सत्संग में होता क्या है, भगवान के यश का वर्णन होता है। अब पांडवों ने तो उन्हीं को देखा, उन्हीं के साथ खाया पिया सोए, निर्निमेश नेत्रों से देख रही देख अनिमेख या देख, सब लोग निर्निमेश होकर के श्री कृष्ण को देखने लगे। उनके दर्शन स्पर्श आलाप आसन भोजन का सुख लिया था, सबके सब विचलित, कोई रोवे नहीं। जो नहीं रोवे बोले भाई जा रहे हैं तो जाओ, ऐसा कहना तो प्रेम का सूचक नहीं है, और मत जाओ का ऐसा बोलना भी ठीक नहीं है, जाते समय टोक देना मत जाओ, आंखों से आंसू गिरने लगे बोले अमंगल हो जाएगा। जो जहां था वो वहां ज्यों का त्यों रह गया। वहां की हस्तिनापुर की स्त्रियों ने उनके ऊपर फूल की वर्षा की, श्वेत छत्र उनके सिर पर था, मोती की लड़े उसमें लटक रही, उसको अर्जुन ने अपने हाथ में लिया, उद्धव सात्यकी उन्होंने व्यजन लिया, फूल बरस रहे थे उनके ऊपर, ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दे रहे थे, स्त्रियां आपस में बातचीत कर रही, ऐसे वर्णन है। और सब तो मंगल मंगल था, पर स्त्रियां अन्योन्य मातीत संजल्प, अपने पास जो स्त्री होती उसकी ओर मुंह करके वो बातचीत करने लगती है एक दूसरे से, अन्योन्य मातीत संजल्प, अरे वो ये वही हैं, कौन का परमेश्वर जिन्होंने सृष्टि बनाई है, कब वही हैं जिन्होंने प्रकृति को प्रेरित किया, वही हैं तत्वज्ञानी पुरुष जिनको ढूंढते हैं, वही हैं वेदों में जिनका वर्णन है, वही है जो दुष्ट राजाओं का ध्वंस करते हैं। जदुवंश धन्य है, द्वारका धन्य है, जहां स्वजन्मना संक्रमणे न चांचति, जिसका आदर किया भगवान ने, सत्कार किया भगवान ने अपने जन्म के द्वारा और अपनी चहल कदमी के द्वारा, संक्रमणे न चांचति, संक्रमण के द्वारा। धन्य है द्वारका जहां की स्त्रियां इनका मुखारविंद देखती हैं, इनकी जो पत्नियां हैं उन्होंने पूर्व जन्म में बड़ी तपस्या की होगी, देखो तो इन्होंने तो कईयों को जबरदस्ती हरण करके, कितना प्रेम होगा उनका, कितना पुण्य किया होगा उन्होंने, जिसका इन्होंने बलात् अपहरण किया होगा। अरे हैं तो स्त्री, परंतु कितना सौभाग्य है इनका, इनके घर से एक क्षण के लिए भी श्री कृष्ण टलते नहीं हैं। इस प्रकार स्त्रियां आपस में एक दूसरों से बात कर रही थी और श्री कृष्ण अपनी चितवन मंद मंद मुस्कान, ये तो उनके अस्त्र हैं। ब्रज भूमि में भगवान ने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लिया हो, न गदा न चक्र कुछ, उनकी मुस्कान और उनकी चितवन, ये ही ब्रज भूमि में अस्त्र रहे। नारायण युधिष्ठिर ने देखा अकेले जा रहे हैं, थोड़ी सी सेना है साथ, अपनी चतुरंगिणी सेना साथ कर रही, बोले क्या सेना कृष्ण की रक्षा करती है? कर नहीं, युधिष्ठिर का जो प्रेम है ना, अनिष्टा संकीनी बंधु हृदया ने कवंते, प्रेमी लोगों को जल्दी विश्वास नहीं होता, वो सोचते हैं अरे कहीं गर्म हवा लग गई तो, कहीं ताती बाय लग गई तो, नारायण श्री कृष्ण को किसी से डर नहीं था। श्री कृष्ण की जरूरत देखकर युधिष्ठिर ने अपनी सेना नहीं भेजी, अपना दिल नहीं मानता था इसलिए भेजी, और अंत में भगवान द्वारका में पहुंचे। बड़ा समृद्ध देश महाराज, आनंद देश सौराष्ट्र के अंतर्गत अनर्थ देश है, अनर्थ देश है जहां सबको नाचना आवे हो, अनर्तनम अत्र, चारों जहां देखो वहां वो डांडिया रास हो रहा है,
गरबा हो रहा है, गरबा गांव गांव में स्त्री पुरुष वो नाचते। कल की आई बहू महाराज वो फेंटा बांध के और ना उतरती है जब अखाड़े में, देखता ही बनता है। उस देश का नाम है आनर्थ। सो महाराज शंख बजाया, भगवान ने शंख की ध्वनि सुन करके सब के सब द्वारकावासी आनंदित हो गए, और वहां के लोग जो हैं वो आत्माराम पूर्ण काम प्रभु का स्वागत करने के लिए आगे आए, सबने स्तुति की। इस प्रसंग में ये बात कही है कि प्रभु, द्वारकावासी कहते हैं, जब आप कभी कभी मधुबन चले जाते हैं और द्वारका चले जाते हैं, वह मथुरा चले जाते हैं, वृंदावन चले जाते हैं, कभी कभी माने कई बार जाते हैं, इसका अर्थ है जर्यम भुजाक्षापसार भोगला, तब उस समय हमको एक क्षण भी दुख के समान मालूम पड़ता है। सब लोग उनकी स्तुति कर रहे थे, महाराज बड़ी तैयारी द्वारका में, दरवाजे दरवाजे पर सजावट थी, ब्राह्मण हाथी स्वस्तेन नाट नर्तक गंधर्व सब भगवान के स्वागत सत्कार के लिए आए। भगवान ने सबका सत्कार किया। एक श्लोक पढ़ के मैं आपको सुना देता हूँ। प्रह्वाभिवादन श्लेष करस्पर्शस्मिते क्षणैहि आश्वास्ते चाश्वपाके भियो वरैश्चाभिमतैर्विभुः। भगवान ने किसी के सामने सिर झुकाया, किसी को नमस्ते किया, हो अभिवादन अभिवादय हम बो, किसी को पकड़ के हृदय से लगा लिया, करस्पर्श किसी से हाथ मिलाया, और किसी की ओर मुस्कुराकर देखा, पर किसी को आश्वासन दिया, और ये क्रिया चांडाल पर्यंत के साथ हुई। आश्वास्य चास्वपा के भी हो बड़े स्थिर, जिसको जो चाहिए था वो दिया, और उसके बाद गुरुजनों के पास गए। द्वारका की स्त्रियां तो छज्जे पर चढ़ गई थी महाराज, यद्यपि हमेशा देखें श्री कृष्ण को, लेकिन उनकी आंखों को तृप्ति नहीं होती है। प्रेम में यदि तृप्ति हो जाएगी तो उसका बढ़ना बंद हो जाएगा, और यदि प्रेम में प्यास ही प्यास रहेगी तो कोई उसको चाहेगा ही नहीं। इसलिए प्यास के बाद तृप्ति, तृप्ति के बाद प्यास, प्यास और तृप्ति दोनों के मिश्रण का नाम प्रेम है। प्यास तो बढ़े और तृप्ति जो है होती जाए, और बढ़े और प्यास और तृप्ति। भगवान श्री कृष्ण का जो अंग है वो श्री का निवास स्थान है, उनके वक्षस्थल पर लक्ष्मी रहती हैं, उनका जो मुख है वो प्याला है, और उनके बाहुओं में लोकपालों का निवास है, भक्त लोग उनके चरणाम्बुज में रहते हैं, माताओं ने उनको अपनी गोद में लेकर हो दूध पिलाना शुरू कर दी। बड़ी भारी उम्र थी, ये मत देखना कि उस समय कितने बरस के थे। श्री कृष्ण जब 90 बरस की अवस्था के थे करीब करीब, तब महाभारत युद्ध हुए, बस 90 छू ही रहे थे, हो गए थे, छू नहीं रहे थे, हो गए थे, क्योंकि उसके बाद परीक्षित का जन्म हुआ, और परीक्षित ने 30 वर्ष केवल राजत्व राज, उनका जो राजत्व काल है वो 30 वर्ष। माताओं ने हृदय से लगा लिया, दूध पिलाया, फिर माताओं से मिलकर सब पत्नियों के घर में गए, और सबके सामने उनका मन तो पत्नियों का ये हुआ कि पकड़ के इनको छाती से लगा दूं, लेकिन कैसे लगावे सबके सामने। तब उन्होंने क्या किया, आंख के रास्ते श्री कृष्ण को भीतर कर लिया, और हृदय में हृदय से लग के, क्योंकि दोनों का दिल जो है ना वो एक जगह इकट्ठे हो जाए, पास पास हो जाए, फिर एक ने लाके अपना बच्चा दे दिया गोद में। अब वो बच्चा देते समय महाराज और शरीर छू गया, हृदय छू गया, आंख से आंख मिल गई, रोकना चाहते हैं प्रेम के आंसू, रुकता नहीं है। देखो हर समय इन पत्नियों के पास श्री कृष्ण रहते हैं, लेकिन उनको क्षण क्षण में नए मालूम पड़ते हैं। इस तरह महाराज ये श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं अपनी। उद्दाम भाव पिशुनामल बल गुहासो ब्रीडावलोक निहतो मदनो पिजासाम।
इनके महाराज उद्दाम भाव, जो किसी रोष टोष में आवे नहीं, मर्यादा में बंधे नहीं, ऐसे भाव की चुगली चुगली करने वाले, उनके निर्मल हास्य, उनकी लज्जा भरी चितवन से चोट खा करके कामदेव घायल हो गया और उसने धनुष बाण अपना फेंक दिया। बोले जब इतनी सुंदर सुंदर श्री कृष्ण की पत्नियां मौजूद हैं, तो अब हमारा और हमारे धनुष बाण का क्या काम रहा। परंतु ऐसी पत्नियां भी श्री कृष्ण के मन में अपने हाव भाव कटाक्ष से कोई क्षोभ नहीं कर सके। लोग मानते हैं कि जैसे हम वैसे कृष्ण मूर्ख। हमयम मन्यते लोको हिय संगम अपि संगिनम। श्री कृष्ण असंग हैं, उनको जो संगी मानता है वो आत्मोपमेन अपनी उपमा से, क्योंकि मूर्ख है। एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैहि न युज्यते सदात्मस्थैर् यथा बुद्धिस्तदाश्रया। यही पुरुष का पुरुषत्व है, आत्मा का आत्मत्व है, कि वो प्रकृति में रह करके भी प्रकृति के गुणों से संसृष्ट नहीं होता। राजा कौन? जो रानी के, राजकुमार के, मंत्री के, सेनापति के, धर्माध्यक्ष के, किलेदार के चक्कर में आकर अन्याय में खड़े हो, सबसे तटस्थ रह करके अपने राज्य का निरीक्षण करे, उसको राजा कहते हैं। ये पुरुष हैं। आ गए चक्कर में, मंत्री ने ऐसा कहा, सेनापति ने ऐसा कहा, धर्माध्यक्ष ने ऐसा कहा, आ गए चक्कर में, गए तो राजा राजा का रहेगा। ये परमात्मा का जो स्वरूप है। परंतु उनकी पत्नियां भी नहीं समझती थी, वो भी समझती थी कि ये हमारे बस में ही है, लेकिन वो बस में नहीं थे किसी के। एक अब प्रमाण दे दो बस। ईश्वरम मत योजना। जैसे मति ईश्वर को नहीं जानती है, अपनी मति में जितनी कल्पना होती है लोग ईश्वर को उतने ही समझते हैं, अपनी अपनी मति की कल्पना को ईश्वर समझते हैं। ईश्वर किसी की मति की कल्पना में नहीं आता। यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसा। जिसने ईश्वर को अपनी मति का विषय बना लिया, ये ईश्वर, इतना ईश्वर, ऐसा ईश्वर, बोले वो ईश्वर नहीं है जो मति को प्रकाशित कर रहा है, जो मति का अधिष्ठान है, जिसमें मति मिथ्या ही भाग रही है, उसका नाम ईश्वर होता है। मति में जो मालूम पड़ रहा है, उसका नाम ईश्वर नहीं होता है। सौनक उवाच। बोले महाराज ठीक है, श्री कृष्ण तो आ गए द्वारका में, अब वो जो बताओ जिसकी रक्षा करके श्री कृष्ण आए थे, उस बालक का क्या हुआ? बोले ईश्वर ने उस बालक को जीवित किया, गर्भ में प्रवेश करके। बालक ने बुलाया नहीं था, माता दुखी होकर पुकार रही थी, और उनका माता पुकार रही है अपने बेटे के लिए, उसके गर्भ में प्रविष्ट हो गए, भाई भाई बन गए। बोले भाई का कर्तव्य है भाई की रक्षा कर, संबंध जोड़ लिया परीक्षित को। ये देखो, ये भी एक विचित्र है, परीक्षित ने भगवान से संबंध नहीं जोड़ा, संबंध का भाव नहीं किया, भगवान ने परीक्षित से संबंध जोड़ा। ऐसा भगवान भी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। बोले अरे हम तो तुम्हारे छोटे भाई हैं। कहा महाराज हम जल रहे हैं। परीक्षित के मन ने कहा हम जल रहे हैं। बोले लो, उठाया अपना चक्र और उठाई गदा और ब्रह्मास्त्र को पीट करके, खदेड़ करके वहां से निकाल दिया। तो महाराज उनका चरित्र बताते हैं। राजा युधिष्ठिर के पास सब कुछ था, परंतु उनके मन में कामना नहीं थी। श्री कृष्ण के चरणारविंद का रस जिसको मिल गया, उसको दूसरी कामना नहीं होती। संपत्ति है, क्रतु है, ब्राह्मण है, रानी है, भाई है, जम्बुद्वीप का आधिपत्य है, क्या इनसे उनको सुख मिला? बोले नहीं नहीं। एक दिन महाराज हमको प्यास लगी थी, बड़ी जोर से भूख लगी थी हमको, यार
भागवत का सप्ताह कर रहा था गोंडल में। अब एक सज्जन के घर गए तो बड़ा बढ़िया सिंहासन लगाया और चंदन से फूल माला आरती, और एक आदमी के इंतजार करने लगे, आधा घंटा घंटा भर लग गया। तो मैंने कहा भाई पहले हमको कुछ पानी पिलाओ खिलाओ, ये सब हमको चंदन फूल माला अच्छी नहीं लगती, लगी हो प्यास और कहे पलंग पर सो जाओ, महाराज घंटे दो घंटे में पानी लाते हैं, चलेगा कहाँ। जिसको भगवान की प्यास लग गई उसको ये दुनिया के भोग सुहाते नहीं है, क्षुदितस्य यथे तरे, ये युधिष्ठिर की दशा थी। अब महाराज गर्भ में ही राजा परीक्षित को भगवान के दर्शन हुए, गदा लेकर के उसके अस्त्र तेज को उन्होंने शांत किया और फिर अंतर्धान हो गए। अश्वत्थामा ने अस्त्र चलाया था इसलिए भगवान ने अस्त्र से रक्षा की, और जब ब्राह्मण ने साप दिया हो तब भागवत के रूप में वाणी के रूप में, वाणी के अस्त्र का निवारण है वाणी, और ब्रह्मास्त्र का निवारण है चक्र गदा। समय पर परीक्षित का जन्म हुआ, ब्राह्मणों ने आकर के महाराज और देखा उनका जन्म, बड़ा सुंदर जन्म, बोले पांडव कौरव वंश की रक्षा हो गई, इसके द्वारा ये बड़ा भारी भक्त होगा, विष्णु भगवान ने स्वयं कृष्ण ने इसकी रक्षा की है, इसलिए इसका नाम विष्णु रात होगा। बड़ा भारी भागवत। युधिष्ठिर ने पूछा महाराज हमारे वंश में इतने बड़े बड़े लोग हुए हैं उनके अनुरूप ये होगा कि नहीं होगा। अब बोले तुम्हारे वंश में और वंश के बाद पृथ्वी में जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, राजर्षि ब्रह्मर्षि सबसे श्रेष्ठ ये होगा। इनका नाम हुआ परीक्षित। परीक्षित माने पर्यक्षत। जिस आश्चर्य को उन्होंने गर्भ में माता के पेट में देखा था, वो पीतांबरधारी, वो मोर मुकुट वाला, वो सांवरा सलोना, जो देखा था उन्होंने, कोई सामने आता तो देखते कि कहीं वही तो नहीं है, वो बस गया था उनके दिल में। हो पर्यक्षत, जहां देखे वहां ये पहली नजर यही पड़े कि कहीं वही तो नहीं आ गया, वह पगध्वनि मेरी पहचान है, मेरा पहचाना हुआ है, उसकी गंध मैं पहचानता हूं, सुगंध उसकी ऐसी है, उसकी रूप छटा ऐसी है, उसकी स्वर लहरी ऐसी है, उसका स्पर्श ऐसा है, उसके नेत्रों की चमक ऐसी है। आप क्या समझते हैं कि आपका मन ऐसे ही निराकार हो जाएगा? अरे हजार आकारों में फंसा हुआ मन जब तक एक आकार को पकड़ करके स्थिर नहीं होगा तब तक वो निराकार को पकड़ नहीं सकता। तो महाराज ब्राह्मणों ने सब बता दिया। अब परीक्षित पढ़ने लगे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान। युधिष्ठिर को यज्ञ करने का संकल्प हुआ, खजाने में धन नहीं था। श्री कृष्ण ने कहा कि क्यों युधिष्ठिर, क्यों बड़े भैया, खजाने में धन नहीं है? कि है तो, परंतु दो तरफ से आया है, या तो जुर्माना करके आया है अपराधियों पर, तो वो तो उनके सुधारने में खर्च होना चाहिए, और या तो टैक्स से आया है तो वो लोगों के विकास में खर्च होना चाहिए। हम अपना यज्ञ करने में उस धन को कैसे खर्च करेंगे? वो तो हम प्रजा का धन है, प्रजा की संपदा है, प्रजा का हक है, उसको व्यक्तिगत सुख स्वार्थ के लिए खर्च करने का हमको कोई हक नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा अच्छा हम जानते हैं एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सा सोना गड़ा हुआ है, और धरती में जो है वो तो तुम्हारा है ना, तुम राजा हो, हकदार हो, निकालो। हमारा वही निकला और उसी से यज्ञ हुआ। नारायण, सो नारायण, यही राजा परीक्षित जब राज्य कर रहे थे उस समय सनकादि मुनि जो है वो सौनकादि मुनि अपना सत्र उन्होंने प्रारंभ किया था। अब दूसरी कथा सुनाते हैं। विदुर जी हैं वो गए थे तीर्थ यात्रा में, वहां मैत्रेय से ज्ञान प्राप्त करके लौट आए।
जब भगवान की भक्ति मिल गई तब ज्यादा प्रश्नोत्तर करने से क्या फायदा, निष्ठा हो गई जिंदगी भर के लिए, अब तो बस हम इन्हीं के होके रहेंगे, बस ज्यादा पूछताछ करने से क्या फायदा है। अब वहां आए तो सब लोगों ने उनका बड़ा सत्कार किया, सबकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, और जब वो आनंद से बैठे, ये नहीं हो कि आते ही सवाल करना शुरू कर दिया, पहले थोड़ा स्वागत करो, सत्कार करो, बैठा हो, खिलाओ, पिलाओ, विश्राम हो जाए, तब कुछ पूछना हो तो पूछो, कि नहीं आते ही लठ मार दिया, महाराज जरा तत्व की बात सुनाओ। अब ऐसे कोई तत्व की बात है ना, इतनी सस्ती थोड़ी है कि चलते चलते सुना रहे, जरा महाराज चेतावनी सुना दो। युधिष्ठिर जी ने कहा, हमारी याद तो आपको आई ना, आपके पक्ष की छाया में मैं पला हुआ हूँ, आप कहाँ गए थे, क्या क्या देख के आए हैं, आपको तीर्थ यात्रा करने की जरूरत थोड़ी है, तीर्थ यात्रा महात्मा लोग इसके लिए नहीं करते कि वहां जाके हम पवित्र होंगे, इसके लिए करते हैं कि हम अपने हृदय में भगवान के लिए लिए जाएंगे, भगवान को लिए लिए जाएंगे वहां, तो हमारे स्नान से तीर्थ पवित्र हो जाएगा। तो आपने सब देखा सुना, बताइए क्या हालचाल है, बताया, सब उन्होंने बताया, परंतु द्वारका का समाचार नहीं बताया। ये थे महाराज साक्षात धर्म विदुर जी जो हैं। पद्म पुराण में एक कथा है कि एक बार दुर्वासा जी ने तपस्या की, दुर्वासा जी ने, कि धर्म का साक्षात्कार हमको होना चाहिए, साक्षात कृत धर्माण विषयो बबुहु, वेद में लिखा है कि ऋषियों को धर्म का साक्षात्कार होता था, उन्होंने कहा हमको धर्म का साक्षात्कार होना चाहिए। अब महाराज बहुत दिन तपस्या की और धर्म देवता आए ही नहीं आए, तो दुर्वासा जी को क्रोध आ गया, साफ देंगे धर्म, साफ देने को तैयार हुए तो धर्म हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज साफ मत दो, बोले नहीं हम तो आप दिए बिना मानेंगे नहीं, दुर्वासा के मन में आ गया। तो दुर्वासा ने कहा जा तू राजा हो जा, तो धर्म ने हाथ जोड़ा कि महाराज राजा होने पर बड़ा पाप होगा, फिर मेरा उद्धार कभी नहीं होगा, मैं तो हमेशा के लिए गिर जाऊंगा। तो बोले नहीं होना तो पड़ेगा, युधिष्ठिर हुए। फिर बोले कि अच्छा तुझे पसंद नहीं है तो जा शूद्र हो जा। तो बोले हाँ महाराज शूद्र तो हो जाएंगे पर वहां संध्या वंदन गायत्री करना बड़ा कठिन पड़ेगा, कैसे करेंगे, सुविधा नहीं, सेवा में लगे तो लड़ना पड़ेगा। बोले जा चंडाल। बोले हाँ हाँ ये ठीक है, महाराज चंडाल होना पसंद, ये पद्म पुराण में कथा है, भूमिखंड में कथा पाताल पद्म पुराण के, राजा होना पसंद नहीं शूद्र। और एक बार जमराज से धर्मराज से गलती हो गई थी तो मांडव्य ऋषि ने उनको साप दे दिया था कि तुम शूद्र हो जाओ। तो महाराज अर्जमा तो हो गए जमराज और ये हो गए आकर विदुर के रूप में प्रकट हुए। देखो पुराणों में कैसी कैसी कथा है, लोग कहानी वहानी तो आजकल बहुत पढ़ते लिखते हैं, ऐसी अद्भुत कथा है महाराज। एक कथा है याद आ गई आपको सुना देते हैं। एक कथा है, एक बार राजा पुरुरवा गए स्वर्ग में, तो उनके सामने चारों पुरुषार्थ खड़े हो गए, अर्थ धर्म काम मोक्ष। तो उन्होंने धर्म को प्रणाम किया कि आप बड़े हैं, और मोक्ष तो ऐसे ही प्रसन्न हो गया उनके ऊपर धर्म को प्रणाम करने से, लेकिन अर्थ और काम दोनों नाराज हो गए, हमको प्रणाम क्यों नहीं किया। तो अर्थ ने भी साफ दिया और काम ने भी साफ दिया, तो पुरुरवा को जिंदगी भर दुखी रहना पड़ा। सबको प्रणाम करना हो अर्थ के स्थान पर, और धन के स्थान पर धन को प्रणाम करना, भोग के स्थान पर भोग को प्रणाम करना, धर्म के स्थान पर धर्म को प्रणाम करना, जीवन को व्यवस्थित रूप से चलाना चाहिए, ऐसी कथा महाराज पुराणों में आते हैं। ईश्वर की कृपा से विदुर गए धृतराष्ट्र के पास और उनको बताया कि अब मरने का समय आ गया है, सूझता नहीं हो
क्योंकि आत्मा जो है वो शरीर में और शरीर आत्मा में दोनों मिलकर लथपथ हो गए हैं, तो आत्मा की नित्यता का आरोप हो गया शरीर में, इसलिए आदमी को अपना मरना नहीं सूझता। जिनकी 90 बरस 100 बरस की उम्र हो जाती है वो भी यही सोचते हैं कि अभी हम 100 बरस की योजना बना लेते हैं, अभी हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, तो कब मरेंगे ये किसका तो उनको पता नहीं है। अपनी मौत दिखाई नहीं पड़ती है क्योंकि आत्मा अमृत है, आत्मा अमर है। तो बोले अब आ गया मरने का समय, देखो दूसरे के घर में रहे हो, दूसरे का दिया हुआ खा रहे हो, जिनका तुमने बड़ा बड़ा अपमान किया, ये शरीर तो तुमको छोड़ करके चला जाएगा, चलो यहाँ से हरिद्वार की तरफ चलो सप्त सरोवर पर, और वहां चल करके गंगा स्नान करो। हिमालय जो है वो जो लोग किसी को दंड देना चाहते हैं उनके लिए तो हिमालय में ज्यादा सुख नहीं है। निस्पदंड प्रकर्षम, यही रह के आदत डाल लो अच्छी कि किसी की किसी बात पर हम कभी नाराज नहीं होंगे, नहीं तो वहां कौवे को ढेला मारते समय बीतेगा किसने हमारे ऊपर बीट क्यों कर दिया, हमारे ऊपर ध्यान करते समय बैठ के काव काव क्यों किया, ढेला फेंकते समय बीतेगा अगर यहाँ क्षमा करने का अभ्यास नहीं होगा तो। बोला अपने मन को ठीक करो बाबू, दुनिया में सब ठीक है, दुनिया में सब ठीक है, कुछ बुरा है ही नहीं अगर अपना मन ठीक है तो। मन से परिपुष्टे को अब तो महाराज तुरंत विदुर जी ने उनको रास्ता दिखाया, गांधारी जी उनके साथ सप्त सरोवर चली गई, और रोज युधिष्ठिर आते थे धृतराष्ट्र का चरण बंदन करने के लिए, सवेरे आए देखा नहीं, बोले अरे संजय कहाँ गए, हमारे माँ बाप दोनों कहाँ गए। संजय ने कहा महाराज हमको मालूम नहीं है, चुपचाप वो कहीं चले गए हैं। इसी बीच में नारद जी आ गए, उन्होंने बताया कि अब तुम उनके भजन में विघ्न मत डालो युधिष्ठिर, वो गए हैं गंगा किनारे, और दुनिया में किसी के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है, ये सब ईश्वर के अधीन है। वही खिलौने जैसे बच्चे खेलते खेलते किसी खिलौने को किसी से मिला देते हैं, किसी खिलौने को किसी से अलग कर देते हैं, ऐसे ईश्वर ये खेल रहा है। यदि संसार अनित्य है तो फिक्र मत करो, अनित्य तो मरेगा, और यदि संसार नित्य है तो भी फिक्र मत करो, वो तो नित्य रहेगा, और यदि नित्यानित्य है तब भी जैसा है वैसे ही रहेगा, तुमको उसमें किसी के लिए कुछ शोक करने की जरूरत नहीं है। ये अपने मन की कमजोरी है कि आदमी आत्मा परमात्मा का चिंतन छोड़कर दूसरे के लिए बेकल होता है, विकल होता है। सांप निगल रहा है मेढक को, मेढक निगल रहा है मक्खी को, है ना, कौन किसकी रक्षा करेगा। इसी तरह ये सृष्टि महाराज एक दूसरे को ठीक खा रही है। तो युधिष्ठिर को बताया उन्होंने कि अब चार पांच दिन में धृतराष्ट्र की मृत्यु होने वाली है, कुटिया में आग लग जाएगी, वो जल वो पहले परमात्मा में लीन हो जाएंगे, फिर कुटिया में आग लगेगी और गांधारी भी उनके साथ चली जाएगी। ये देखो सद्यो मुक्ति का वर्णन है भीष्म के प्रसंग में, बस प्राण छोड़ते ही परमात्मा जहां के तहां ज्यों के त्यों, लेकिन धृतराष्ट्र की मुक्ति के प्रसंग में ऐसा है कि उन्होंने अपने संपूर्ण करणों को जीव में और जीव को ब्रह्म में, और ब्रह्म को जैसे घटाकाश को मठाकाश से एक देखे वैसे देखा उन्होंने, माया मर गई और वे परमात्मा से मिल गए। इनको करना पड़ा, भीष्म पितामह को मरते समय कुछ करना नहीं पड़ा, परंतु धृतराष्ट्र को मरते समय कुछ करना पड़ा।